हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा राजस्थान क्लास सिक्स। ये बुक्स वही है जो आपकी वर्तमान में स्कूल्स में चल रही है, ठीक है। तो जो बच्चे बोल रहे थे हमें न्यू बुक्स पढ़नी है, तो ये वही बुक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सिक्स क्लास पढ़ेंगे, सेवन्थ पढ़ेंगे, एट्थ पढ़ेंगे, नाइन्थ पढ़ेंगे। टेंथ क्लास हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको हाल ही में करवाई है, क्वेश्चन आंसर वो भी आप लोगों को मिल चुके हैं। तो इसी तरीके से हम इन सभी क्लासेस को करेंगे, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोगों को मिलेंगे। तो देखिए, अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि आपने सिर्फ सिलेबस दिखाया था तो उसमें तो ये कहा था कि 11वीं और 12वीं को पढ़ना जरूरी है, तो वो तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो छोटी क्लासेस हैं इनको इग्नोर किए बिना आप लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। और जो बच्चा सीधे 11वीं और 12वीं को पढ़ेंगे तो उनको वो चीजें ना तो याद होंगी ना ही वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले जरूरी है बेस क्लियर करना। सिक्स से लेकर नाइन्थ क्लास तक आप लोगों को पढ़ना ही है, टेंथ मैंने आप लोगों को करवा दी है, और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को जरूर मिलेंगे। और रही सेकेंड ग्रेड के पेपर वन की बात, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर वन हो, वहां पर भी इतिहास आपका यही रहने वाला है, राजस्थान का इतिहास आपका। आरएएस की तैयारी करें, आप पटवार की कर रहे हैं, ग्राम सेवक की करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की करें, इन बुक्स को आपको पढ़ना ही होगा। आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके आपको वापस इन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और आपके लिए ही है ये, कि अभी से ही स्टार्ट कर दें। अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ना ही फर्स्ट ग्रेड का ना ही सेकंड ग्रेड का, तो इन बुक्स को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको इनको पढ़ना ही होगा। जो सोचते हैं कि सिक्स सेवन्थ एट्थ इनमें तो कुछ भी नहीं होता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि जो अभी हाल में रीट का एग्जाम हुआ था, वहां पर आपके एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, इन बुक से ही आया है। ये चीज आप लोग जानते हैं जिन्होंने यहाँ से तैयारी की है, तो अब ये चीज बहुत अच्छे से आपको पता चल गई होगी। और देखिए, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे पेपर वन की, तो वो तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम आप लोगों को सारा मिल जाएगा मैटर, धीरे धीरे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि पेपर वन की जो तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री की मेरे साथ, तो उनका पेपर टू जो है, जिनका एसएसटी से देंगे, तो वहां पर उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सोचिए, अगर आप किसी कोचिंग से करेंगे, ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप कोचिंग से ना करें, जिसका जहां मन करता है वहां से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग की जब आप फीस देखेंगे, वहां पर 7,000 8,000 आपकी केवल और केवल पेपर वन के लिए आपका ये अमाउंट रखा गया है, ठीक है। और पेपर टू के लिए तो आपको उससे भी ज्यादा पे करना होगा। ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन फीस जो होती है, वहां पर भी आपको 3-4 हजार एक पेपर के लिए आपको पे करना ही होगा। तो जरूरी है कि आप लोग यहां से YouTube पर चैप्टर्स जो हैं वो आराम से पढ़िए। पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी, और जो बच्चे पीडीएफ नहीं चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो इन बुक्स को पढ़िए। इन्हीं में से आप लोग अपना सिलेबस जो है वो तैयार करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है वो खुद लिखें और खुद बनाएं। मेरे द्वारा तो दिया ही जाएगा, और जैसे ही टेंथ तक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हो सकेगा तो मैं मेरे जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, सिक्स क्लास के चैप्टर हैं आपके, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला। मात्र 10 चैप्टर ही है, जल्दी से इनको हम पढ़ लेंगे, और जैसे ही सिक्स क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इन बुक्स से आप नहीं बच सकते हैं, बार बार मेरा यही कहना है। और सिलेक्शन यदि आप चाहते हैं तो इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी
है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर्स पढ़ाते हुए मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इतने बड़े आप भी हैं, आप लोगों को भी सारी चीजें समझ में आती हैं। अध्याय 1, राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, भारत देश में रहते हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, और भारत जो है वह कहाँ है? एशिया में दक्षिणी भाग में, जहां हम रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। यहाँ पर जो भी डेटा आपको नए मिलेंगे, क्योंकि नई बुक है। तो देखिए, राज्य कितने हैं? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 28 8, ऐसे याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है हमारे राज्य का? राजस्थान। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है, अभी हम मैप देखेंगे। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करें। अब देखिए, 6th क्लास है आपकी, छोटी सी क्लास, चैप्टर 1, इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो यहाँ पर है। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान। तो एक आंसर आपको मिल गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहां हम निवास करते हैं, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान भारत के 10.41% भाग में फैला हुआ है। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो 1948 से 1956 तक एकीकरण चला, और हमारा राजस्थान जो है वह वर्तमान स्वरूप में आया। तो ये देखिए, भारत का मैप है, सभी ने देखा हुआ है, राजस्थान हमारा ये रहा, और ये कहाँ पर है? ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वह एशिया में दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो देखिए, राजस्थान के यदि हम पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके उत्तर में देखें तो पंजाब राज्य है, उसके नीचे हरियाणा है, फिर देखिए पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है पूर्वी और दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग में गुजरात स्थित है। आओ अभ्यास करें। तो देखिए, भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? बिल्कुल पाकिस्तान से मिलती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पड़ोसी राज्य के नाम आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया उत्तर में पंजाब है। ये चीज क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान के उत्तर में क्या है? पंजाब है, और देखिए हरियाणा है, और फिर पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में गुजरात है, ठीक है। और यहां पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। कितने सुंदर तरीके से ये आप लोगों के सामने दिखाया गया है। स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23° 30' से 30° 12' उत्तरी अक्षांश एवं 69° 30' से 78° 17' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल नए डेटा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, 342,239, 3-4 बार दोहराइएगा, 342,239 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। तो देखिए, एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों का पुनः कई जिलों हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसीलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में
बांटा गया है। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाता है ये, इसीलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में बांटा गया है ताकि हर क्षेत्र का विकास कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर सबसे छोटा। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो देखिए ये लाइन जो है वो आपकी 11th या 12th में भी मिलेगी, ठीक है। तो अब सोचिए 6th क्लास में ही भी आपको ये चीज मिल गई, और जब बड़ी क्लासेस करते हैं हम लोग तो वहां हमारी एक तरीके से रिवीजन ही होती है। तो राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? धौलपुर जिले में। धौलपुर जिला राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान में 33 जिले हैं और इन 33 जिलों को भी 7 संभागों में बांटा गया है। तो देखिए यहां देखिए संभाग हैं और इधर संबंधित जिले। तो जयपुर संभाग, कितने संभाग हैं? 7 संभाग, जिसमें जयपुर संभाग में जयपुर जिला, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक जिला जो है वो आपको याद रहना चाहिए। तो जो भी संभाग है वो खुद में एक जिला जो है वह है। तो जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर में देखिए जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। तो देखिए एक तरीके से नोट्स हैं ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जो कि हमने मैप के द्वारा अभी देखे थे। राज्य की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मानचित्र 2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटी सीमा बनाता है पंजाब, सबसे बड़ी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अभी किन किन जिलों से बनाते हैं यह भी जानना जरूरी है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है। तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी थी? 5,920 किलोमीटर, और पाकिस्तान से मिलती है 1,070 किलोमीटर। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आजादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था, ठीक है। याद रखना है कि हमारा राज्य जो है राजस्थान, इसको पाकिस्तान से अलग करने वाली जो लाइन है, रेखा है, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो यहां पर देखिए मानचित्र 1.2 में क्या दिया हुआ है कि इनको पूरा करना है, कि पंजाब राज्य से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा राज्य से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से किसकी, मध्य प्रदेश से और गुजरात से किस राज्य की सीमा लगती है। तो ये जो मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था, इस मैप को बहुत अच्छे से देखिए, इसी में आपको पता चल जाएगा। देखिए पंजाब राज्य से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों की सीमा लग रही है, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी है। अभी आप इस चैप्टर्स को पढ़िए और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे तो वहां आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो पंजाब से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ मिल रहे हैं। हरियाणा से देखिए किसकी सीमा लग रही है? हनुमानगढ़ की, चूरू की, झुंझुनू की और अलवर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश से देखिए भरतपुर और धौलपुर की लग रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश से देखिए
करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, ठीक है, इनकी सीमा लग रही है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की, प्रतापगढ़ की, किसके साथ लग रही है, और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो आधा है वह भी मध्य प्रदेश से लगता है। गुजरात की बात करें तो बांसवाड़ा का आधा भाग डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर का भी कुछ भाग लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बाड़मेर का थोड़ा सा भाग जो है वो गुजरात से टच हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। तो इसमें हर एक लाइन जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बहुत बनते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि हमें कैसे याद होंगे, ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले किए थे। चैप्टर जो है इनके क्वेश्चन आंसर जैसे ही आप लोग देखेंगे आप लोग फटाफट से इनको याद कर लेंगे। तो देखिए, एकीकरण, एकीकरण जो है उसका क्या अर्थ होता है, सबको मिलाकर एक करना, ठीक है। आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो आपको हर शब्दावली पता होनी चाहिए, टीचिंग मेथड आपके है तो वहां पर भी ये शब्द जो है वो आते हैं। संभाग का अर्थ होता है सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह, ठीक है, कुछ जिलों का समूह क्या है, संभाग। केंद्र शासित प्रदेश है भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कई बच्चों को नहीं पता होगा इनमें अंतर क्या होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहां पर डायरेक्ट अधिकार किसका होता है, शासन किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। अब चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिना ऑप्शन को देखकर भी आप लगा सकते हैं, अभी हमने देखा जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, ठीक है, तो कुल कितने जिले हैं, कितने हैं, 33 जिले हैं, वर्तमान में 33 जिले हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो ये भी हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान या राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है और कितना आसान भी है। हमने अभी देखे थे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ठीक है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। तो अभी हमने देखे थे 7 संभागों के नाम। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को संक्षेप में समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने कर लिए, बहुत ही आसान आपको लगे होंगे। इसी तरीके से चैप्टर जो है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो और साथ में चैप्टर पढ़ने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है, और चैप्टर जो है वो ऐसे लगता है जैसे कोई स्टोरी चल रही हो। इसी तरीके से हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।